इसी के साथ अब मैं हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर बर्था मैडम फ्रॉम एनाटॉमी, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो स्वागत भाषण हेतु के अपने दो शब्द प्रकट करें। मैम प्लीज। नमस्कार। चैंपियन कौन है? चैंपियन उससे कहते हैं जो दूसरे प्रतियोगियों को पीछे छोड़ विजय प्राप्त करता है। विनर वो है जो किसी एक विधा में परंगत होता है, मगर हम चैंपियन उससे कहते हैं जो औरों से बढ़कर अपना एक अलग मुकाम हासिल करता है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ऐसी ही जीवन के चैंपियंस को सल्यूट करने के लिए, जो जाते जाते भी इस दुनिया को कुछ देकर गए। जैसे एक शिक्षिका जो चाहती थी कि वो मृत्यु के बाद भी शिक्षक ही रहे, या फिर एक उच्च महिला प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जनसेवा देहांत के बाद भी अनवरत जारी है, या फिर एक साधु जो कि एक कैथोलिक प्रीस्ट थे और जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के गरीब और निचले वर्ग के उत्थान के लिए लगाया, वो आज भी हमारे बीच रहकर हमारे भविष्य के डॉक्टर्स को प्रेरणा दे रहे हैं। और भी सभी लोग जीवन पर्यंत अपने परिवार और समाज को बेहतर बनाने के लिए जिए, वे सभी देदान कर अमृतत्व की ओर बढ़ चले हैं। इन चैंपियंस के भले ही कोई भौतिक स्मारक न हो, मगर इनके स्मृति स्मारक हम सभी के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एम्स भोपाल और हमारे सभी छात्रा छात्राओं की ओर से सभी डोनर फैमिलीज को स्वागत करती हूँ। मैं उन सभी रजिस्टर्ड डोनर्स एवं भोपाल के सम्मानीय नागरिकों का स्वागत करती हूँ। इट्स इंडीड माई ग्रेट प्रिविलेज टू वेलकम प्रोफेसर राजेश मलिक, डीन अकेडमिक्स, also additional charge of medical superintendent and head of the department of radio diagnosis. Sir, thank you so much for coming. We welcome you on department of on behalf of the department of anatomy. And also it's my great privilege to welcome Professor Arneet Arora, professor and head department of forensic medicine and toxicology, who has been with us supporting us through all our previous programs. Thank you, ma'am, for being here with us this morning, this evening. All the senior faculty members who are here, members of the administration and finance, teaching and non-teaching faculty of Aiims Bhopal, ladies and gentlemen, and my dear students, a very warm welcome. Long live body donation. धन्यवाद मैडम। गांधी जी ने कहा था, हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला। मैडम मूल रूप से हिंदी भाषी नहीं है, फिर भी उन्होंने हिंदी में भाषण देने का जो प्रयास किया, निश्चित ही वह उनके हृदय के उद्गार हैं और मुझे यकीन है वो उनके हृदय के उद्गारों ने आपके हृदय को जरूर छुआ होगा। अब मैं प्रथम वर्ष के छात्रों से अनुरोध करूंगा कि मैडम का भी स्वागत करें मंच पर। सेंटर से